हेलो दोस्तों, मेरा किस आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, बिल्कुल ही सही देखा और सही पढ़ा दोस्तों। अगर आप एक जियो पॉस प्लस एप्लीकेशन के रिटेलर हो और अगर आप यहाँ पे जियो का नया सिम चालू करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज की वीडियो में आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ जियो का। अगर आप नया सिम कार्ड यहाँ पर चालू करते हो और सिम चालू करते वक्त यहाँ पर अगर आप FR यूज करते हो FR 299, या यहाँ पर FR यूज करते हो FR 239, अगर आप ये दो FR में से कोई भी FR को यूज करते हो, तो अभी के टाइम पे आपको कितना OTF पे आउट कमीशन दिया जा रहा है यहाँ पर, अगर आप जानना चाहते हो, आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो यहाँ पर आपको जो है पता नहीं चल सकेगा कि ये दो FR में कितना OTF कमीशन मिल रहा है, कितना आपको लागत पड़ रहा है और आपको कितना में यहाँ पर जो है मिनिमम यहाँ पर आपको सिम को सेल करना होगा, यहाँ पर आपको कितना पैसा बचेगा एक सिम पे यहाँ पर सेल करने पे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को बिना मिस किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जियो का नया सिम कार्ड चालू करते हो और नया सिम चालू करते वक्त अगर आप ये दो FR यूज करते हो, ये दो FR में से कोई भी FR को यूज करते हो दोस्तों, FR 299 या यहाँ पर FR 239, तो अभी के टाइम पे क्या कुछ OTF कमीशन मिल रहा है, चलिए यहाँ पर जानते हैं वन बाय वन करके ये दोनों FR OTF कमीशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटा FR, जो यहाँ पर सबसे छोटा FR अभी के टाइम पे चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4G और 5G सिम पे एक्टिवेशन करते वक्त वो यहाँ पर चल रहा है सबसे छोटा FR 239 का। अगर आप यहाँ 239 वाला FR को यूज करते हो दोस्तों, तो अभी के टाइम पे जो OTF कमीशन मिल रहा है वो यहाँ पर आप नोट कर लेना, ताकि यहाँ पर आपको जो है बाद में भी काम आ सके। अगर यहाँ पर आप नोट नहीं करते हो तो हो सकता है यहाँ पर आप भूल जाओ और यहाँ पर आपको जो है पछताना पड़े कि यहाँ पर आपको जो है कितना OTF कमीशन मिल रहा है, आपको नहीं पता चल सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 239 अगर आप FR यूज करते हो, तो यहाँ पर आपको अभी के टाइम पे OTF कमीशन मिल रहा है दोस्तों ₹103। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो, अभी के टाइम पे ₹103 OTF कमीशन मिल रहा है 239 FR पे। यहाँ पर आपको जो रिचार्ज मार्जिन कमीशन है वो यहाँ पर आपको 4% के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, और 4% के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है OTF कमीशन, यहाँ पर आपका रिचार्ज मार्जिन कमीशन यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा ₹10। यहाँ पर आपको टोटल OTF कमीशन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 239 FR पे ₹113 OTF कमीशन टोटल, और यहाँ पर आपको जो लागत पड़ने वाला है एक सिम सेल करने पे, एक सिम को बेचने पे, यहाँ पर आपको जो लागत पड़ेगा यहाँ पर 239 FR पे, वो यहाँ पर आपको पड़ जाएगा ₹127। तो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर आपको जो है ₹127 यहाँ पर आपको जो है चार्ज लग जा रहा है एक नया सिम कार्ड को चालू करते वक्त 239 FR के साथ। तो यहाँ पर आपको जो सिम सेल करना होगा वो यहाँ पर आपको मिनिमम यहाँ पर आपको ₹150 में सेल करना ही होगा। आप चाहो तो इससे ऊपर भी यहाँ पर जो है सिम सेल कर सकते हो, ₹200 या 200 से ऊपर कभी आप जैसे कस्टमर को यहाँ पर पटाना चाहो, जैसे आप यहाँ पे कस्टमर को कन्वेंस करना चाहो, उस हिसाब से कस्टमर को कन्वेंस करके आप यहाँ पे सिम को सेल कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है पैसा कमाई कर सकते हो ये FR के साथ, 239 FR के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं दूसरे नंबर पे FR प्लान। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे FR प्लान निकल कर आया दोस्तों, वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है अभी 299 का। 299 का अगर आप FR यूज करते हो यहाँ पर नया सिम सेल करते वक्त जियो का, तो यहाँ पर आपको जो OTF कमीशन मिलेगा 299 पे, वो यहाँ पर आप नोट कर लोगे। इसमें भी यहाँ पर आपको ₹103 का OTF कमीशन मिलेगा दोस्तों, FR OTF कमीशन ₹103 मिल जाएगा 299 पे भी, और यहाँ पर आपको 4% के हिसाब से यहाँ पर भी आपको ₹10 यहाँ पर आपको जो है रिचार्ज मार्जिन कमीशन मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो लैंडिंग पड़ने वाला है इस पर भी आपको ₹127 लैंडिंग पड़ने वाला है यहाँ पर आपको एक सिम चालू करते वक्त 299 FR के साथ। तो यहाँ पर जो ये दो FR है वो दोनों FR में से बेस्ट मेरे को लगता है यहाँ पर 299, यहाँ पर कस्टमर को भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको भी यहाँ पर दोनों FR में तो OTF कमीशन सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फोकस करना 299 FR पे, ताकि यहाँ पर आपको OTF कमीशन भी मिल जाए अच्छा खासा और यहाँ पर कस्टमर को भी ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, ताकि यहाँ पर कस्टमर भी आपसे खुश रहे। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो है मैं आपको जानकारी बताने वाला था ये दो FR प्लान के बारे में। तो ये दो FR प्लान में आप कौन सा FR प्लान को ज्यादा यूज करना पसंद करते हो, वो आप नीचे कॉमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो नहीं, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।